हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं दही बड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपने आधा लीटर दूध ले लेना है। अगर आपको घर में दही बनाना है, घर की दही बहुत अच्छी होती है, तो आपने घर में ही दही बनाना है। अमूल दूध आधा लीटर ले लेना है। दो स्पून उसमें दही डालना है। कौन सी दही डालना है आपने इसमें आपने जो क्या बोलते हैं स्टोर किससे भै हाँ मुझे नहीं बोला जा रहा, वो दही जो कि पैकेट वाली नहीं होती है, जो भैया लोग के पास से जैसे भैंस का दूध लेते हैं जहाँ वहाँ से दही मिलती है, वो दही डालना है। ठीक है, तो इस तरह से दही बन जाती है। और ये वाली जो दही रहती है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और इसका टेस्ट में खट्टापन नहीं होता है। तो ये वाली दही का ही फ़ायदा होता है, जब आप इसमें शुगर वगैरह डाल के जब इसे फेंटते हो ना, तो ये मलाई जैसी हो जाती है और बहुत यमी लगती है। ये दही आप ऐसे भी खाओगे ना तो आपको टेस्टी लगेगी, रेदर देन वो भैया वाली दही, वो थोड़ी सी खट्टी होती है। तो आपने ऐसी दही बनाना है और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेना है दही को शुगर डालने के बाद। तो ये हमारी दही रेडी हो गई। ओके, वो जो अमूल दूध में हम दही डाल के रख लेंगे तो उसे स्टिर नहीं करना है, मतलब उसे हिलाना नहीं है ज़रा सा भी, तो उसे एक साइड पे रख देना रहता है 4-5 आवर्स के लिए। ठीक है, आप दही बड़े के लिए ये वाली दाल, ओके, आपने वाइट दाल भिगा के रखना है थोड़ी अमाउंट में, और उसमें ज़ीरा और हरी मिर्ची और 2-3 कली लहसुन के डाल देना है। फिर उसको अच्छे से बैटर को पीसना है। उसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है, थोड़ा सा भी पानी नहीं यूज़ करना है, उसे उसी तरह से एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा पीसना है। और पीसने के बाद उसमें नमक बेकिंग सोडा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर गरम गरम तेल में दही बड़े को फ्राई कर लेना है। ठीक है, ये इंस्टेंट और बहुत इजी सी रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है आपने इसमें, बस आपको इसमें चीज़ें थोड़ा बिफोर करके रख लेना होगा, दैट्स इट, और कोई मेहनत नहीं करनी है। जैसे दाल भिगा के रखना है, दही बना के रखना है, ये दो चीज़ें पहले करनी है और बाकी काम फट यूँ ही हो जाता है। ओके, तो ये रही हमारी दही जिसको हमने फेंट के रखा है, जो बहुत अच्छी हो जाती है, मलाई जैसा उसका टेक्सचर हो जाता है। अब यहाँ पे वड़े बनते ही जा रहे हैं, और दूसरी साइड पे मैंने वड़े को क्या किया है, एक गरम गरम पानी में और उसमें नमक डाल के उसमें उसको भिगो के थोड़ा सा निचोड़ के जिसे निकाल के रख दिया है, तो दही वड़े वो थोड़ी सॉगी सॉफ्टनेस उसमें आ जाती है। और अभी हम क्या करेंगे, इसको सर्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे वड़े, फिर उसके ऊपर हम डालेंगे बहुत सारी दही, और फिर एक दही बड़ी का मसाला होता है जिसमें होता है धनिया और रेड चिली फ्लेक्स और ये सब मिक्स होता है इसमें, ज़ीरा मिक्स होता है, ये सब चीज़ का पाउडर होता है, वो पाउडर हम इसके ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा मसाला, और फिर उसमें बारीक कट करके धनिया डालेंगे और इसे खाएंगे। ये बहुत ज़्यादा ही यमी और टेस्टी बना है और बनता भी है, आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिए। और मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, बाय बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। ये यमी बहुत ज़्यादा ही अच्छा बनता है, आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड वो वाली दही को कौन सी वाली दही भूलते वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो बाय बाय, सी यू गाइस।